अगर आप भी देकर आ रहे हैं 19/3/2019 को सीबीएसई क्लास 10th के हिंदी का एग्जामिनेशन और आपको मिला है सेट 1, 2 या 3, तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं CWEH ऑनलाइन स्टडी सपोर्ट। अगर आप न्यू विजिटर हैं या हमेशा हमारे चैनल को विजिट करते हैं बट अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए वीडियो के नीचे आने वाले सब्सक्राइब बटन को दबाइए और उसके बगल में आने वाले बेल आइकन को भी दबाइए और शामिल हो जाइए हमारे साथ एजुकेशन की इस क्रांति में। तो इस वीडियो में मैंने आज हिंदी एग्जामिनेशन में पूछे गए सेट 1, सेट 2, सेट 3 के ग्रामर पोर्शन का सॉल्यूशन किया है और मैं आपको बता देना चाहता हूँ ग्रामर पोर्शन का एक एक क्वेश्चन तीनों सेट का सेम था। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर एक आध गलती हो जाए बीच में तो क्षमा करेंगे क्योंकि हिंदी हमारा क्वेश्चन नहीं है लेकिन फिर भी इसे एक्सपर्ट से बनाया गया है। हिंदी हमारा सब्जेक्ट नहीं है फिर भी इसे एक्सपर्ट के द्वारा हम लोगों ने सॉल्व किया है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास सेट 1, सेट 2 एंड सेट 3 का हिंदी पेपर जो कि आज पूछा गया है उसका क्वेश्चन पेपर है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और ग्रामर पोर्शन के सॉल्यूशंस। खंड ए के खंड क के भी आपको आंसर मिलेंगे लेकिन सबसे पहले हम लोग खंड ख को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखिए टोटल क्वेश्चन क ख ग घ यहाँ पे दिया हुआ है और अब मैं आपको इसका आंसर करके देने जा रहा हूँ। चलिए तो देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने व्याकरण भाग के टोटल पार्ट का यहाँ पे सॉल्यूशन करके रखा है। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे सांझ हुई और पक्षी नीड में आ गए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसके 2-3 प्रकार से बन सकते हैं। अगर आपका प्रकार इससे नहीं मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में आए, मैं आपको कंफर्म करूंगा कि आपका आंसर सही है या नहीं। अगर आपका आंसर इससे मैच नहीं खाता है तो सांझ हुई और पक्षी नीड में आ गए, इसको मिश्र वाक्य में बदलना था तो इसको बना सकते हैं जैसे ही सांझ हुई पक्षी नीड में आ गए, या फिर इसमें क्या है कंजंक्शन को हटाना होता है। ठीक है, तो जैसे ही सांझ हुई पक्षी नीड में आ गए या फिर ज्यों ही सांझ हुई त्यों ही पक्षी नीड में आ गए। इसके अलावा अगर आपने कुछ और भी सॉल्व किया है तो आप यहां पे कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की के बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की के बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे, इसका बनाया जा सकता है। नवाब साहब ने कुछ देर खिड़की के बाहर देखा और स्थिति पर गौर करते रहे। इसके अलावा फिर से मैं दोहरा रहा हूं, अगर आपने कुछ और भी बनाया है तो आप कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं। ये जो थर्ड क्वेश्चन है, अध्यापिका ने छात्रों से कहा कि बिना पटाखों के दीपावली मनाएं, तो ये एक आज्ञावाचक वाक्य है लेकिन इसका मैंने अभी आंसर नहीं किया है। इसका आंसर सेकंड पार्ट में आपको आ जाएगा। अगर आपने इसका आंसर किया है तो आप कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं और पूरा पेपर का मैंने देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन कर रखा है तो आप कहीं जाए नहीं, वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। चलिए उसके बाद फोर्थ जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर घ, उसका इस तरह से आंसर किया गया है वे छात्र जो कल नहीं आए थे खड़े हो जाएं, इसको सरल वाक्य में बदलना था तो वे छात्र खड़े हो जाएं जो कल नहीं आए थे। ठीक है, तो इसका यह भी आंसर हो सकता है, इसके अलावा और भी आंसर हो सकते हैं, अगर आप बनाए हैं तो कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं। फिर नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 4, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 था कि चार वाक्यों के निर्देशानुसार वाच्य परिवर्तन कीजिए, मैंने पांचों का कर दिया है। चलिए तो वाच्य परिवर्तन किस प्रकार से हुआ है देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वाच्य परिवर्तन करा गया है, छात्रों ने विद्यालय में पौधे लगाए, इसको कर्मवाच्य में यानी कि पैसिव वॉइस में बदलना है। ठीक है, तो छात्रों जो सब्जेक्ट है वो इसमें बन जाएगा छात्रों के द्वारा विद्यालय में पौधे लगाए गए, छात्रों ने विद्यालय में पौधे लगाए मतलब छात्रों के द्वारा विद्यालय में पौधे लगाए गए। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन चलो घूमने चलते हैं, इसको भाववाच्य में बदलना है तो चलो का चलो, घूमने चलते हैं का घूमा जाए, चलो घूमा जाए। ठीक है, शाहजहां द्वारा ताजमहल बनवाया गया, इसको कृतवाच्य में यानी एक्टिव वॉइस में बदलना है, शाहजहां द्वारा ताजमहल बनाया गया, इसको कृतवाच्य में बदलना है। ठीक है, तो कैसे होगा ये, तो ताजमहल, तो शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। अगर आपके आंसर डिफर करें तो आप कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं, लगातार हम आपको बताते चल रहे हैं। चलिए इसका घ आंसर की ओर चलते हैं।
प्रधानाचार्य ने छात्रों को पुरस्कार दिए, प्रधानाचार्य ने छात्रों को पुरस्कार दिए, इसको कर्मवाच्य में बदलना है तो प्राचार्य के द्वारा छात्रों को पुरस्कार दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं इस धूप में नहीं चल सकता, भाववाच्य, मुझसे इस धूप में चला नहीं जा सकता, इसका आंसर। चलिए उसके बाद पद परिचय था, पद परिचय में क्या था मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो यहां पर हम क्वेश्चन को बगल में ले लेते हैं और उसके बाद बारी बारी से क्वेश्चन को देखते हैं। उस गमले में दो गुलाब खिले हैं, तो उसमें रेखांकित है क नंबर क्वेश्चन में, तो उसका यहाँ पे पद परिचय कर रहा हूँ। उस जो है वो एक सर्वनाम है, पुरुषवाचक है, अन्य पुरुष, इसका लिंग जो है वो है पुलिंग, वचन एक वचन, और कारक जो है वो इसका है कर्ता कारक। पद परिचय में इतनी चीजें आपको क्लियर करनी होती है सर्वनाम के बारे में। फिर है सौम्या, यहाँ पे आप देख सकते हैं सौम्या बगीचे के सामने बैठी है, तो यहाँ पे बगीचे के एक संज्ञा है और बगीचा एक संज्ञा है, कौन सा संज्ञा, तो जातिवाचक संज्ञा, कैसा, तो पुलिंग है ना, बगीचा भरा ऐसा हम लोग बोलते हैं, तो पुलिंग, वचन इसका एक वचन, यहाँ पे देखेंगे बगीचे के सामने, एक बगीचे के सामने बैठी है, ठीक है, बगीचे के सामने बैठी है तो एक बगीचा है, बगीचों रहता तो बहुवचन रहता तो ये एक वचन है, कारक तो यहाँ संबंध है, ठीक है, संबंध बता रहा है तो ये संबंध कारक है काके की। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और जो थर्ड क्वेश्चन हमारा है, अविनाश दुकान से गर्म पूड़ियां लाया है, तो यहाँ पे जो अविनाश है वो काम कर रहा है, तो अविनाश एक संज्ञा है, संज्ञा के बाद व्यक्तिवाचक पुलिंग पुरुष का बोध करवा रहा है, एक वचन है और कर्ता कारक है चूंकि ये काम कर रहा है। उसके बाद इधर आते हैं, वर्षा के बाद धीरे धीरे हरियाली बढ़ने लगी, तो फिर इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा धीरे धीरे क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक है, ठीक है, इसमें मैंने दो ही बनाया, इसके अतिरिक्त अगर कुछ होता है तो आप रिकमेंड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, राम कहानी पढ़ता है, इसका आंसर करते हैं तो पढ़ता है, तो सकर्मक क्रिया, ये पढ़ता है एक सकर्मक क्रिया है, कर्तृवाच्य में है, वर्तमान काल में है और एक वचन है, फिर पुलिंग है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रौद्र रस का उदाहरण लिखिए, सिक्स का क, रौद्र रस का उदाहरण लिखिए, सिक्स का क, तो यहाँ पे मैंने रौद्र रस का एक उदाहरण लिख दिया है। अगर आपने इसके अलावे कोई आंसर लिखा है, चूंकि इसमें बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, ठीक है, केवल एक एग्जाम्पल लिखना था तो मैंने ऐसे ही बना दिया कि चलो ठीक है आप देख लेना। इसके अलावा भी अगर आपने कोई आंसर लिखा है तो आप आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो आप ऐसे ही लेके चलिए, इसका क, बाकी के क्वेश्चंस बनाए गए हैं। चलिए तो इसके आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो जो ख नंबर क्वेश्चन था उसमें श्रृंगार रस लिखना था, ठीक है, इसमें रस का पहचान करना था, तो इसमें जो है श्रृंगार रस होगा। फिर आगे में जो क्वेश्चन है उसमें शोक का अस्थायी भाव पूछ रहा था, तो शोक का जो अस्थायी भाव है वो है करुण रस। फिर अद्भुत का स्थायी भाव पूछ रहा है, तो अद्भुत का स्थायी भाव है विस्मय। फिर रस के कितने अंग या अव्यव हैं, तो चार हैं, हालांकि नाम लिखने नहीं कर रहा था लेकिन मैंने यहाँ पे स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव या संचारी भाव या व्यवहारचारी भाव यहाँ पे हम मैंने डाल दिया, हालांकि चार भी अगर आपने लिखा है तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। अब ग्रामर पोर्शन में हमारा बच गया है गद्यांश, इधर का जो ये जो गद्यांश है वो पठित है, आपके बुक से पूछा हुआ है, और इधर दो और भी गद्यांश हैं, एक कविता के रूप में है, ठीक है, और एक पूर्णतया गद्यांश है। तो अगर आपको इसके भी आंसर चाहिए तो बहुत जल्द अपडेट किया जाएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, इससे हमें सपोर्ट मिलता है और आगे के भी वीडियोस बनाने के लिए हम प्रेरित होते हैं। तो अगर आपको इसके सॉल्यूशन चाहिए तो आप इवनिंग तक आ सकते हैं, हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए। चलिए मिलते हैं इसके आंसर के साथ इवनिंग में।